दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 22 जनवरी का दिन पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस दिन को लोग अपने अपने स्तर पर बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से 22 जनवरी को अवकाश घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को अवकाश घोषित करें। मांग करते हैं कि इस दिन कर्मचारियों को छुट्टी दी जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत ऐतिहासिक पल है। लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के पश्चात एक ऐसा अवसर आया है जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर वहाँ उनकी मूर्ति रख करके मंदिर बनने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी और निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए खुशी का विषय है। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस पीढ़ी को ये अवसर देखने को मिला है कि जहाँ भगवान रामचंद्र जी का जन्म स्थान वहाँ पर मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को हो रहा है। उस दिन हमने हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलित करके अलग अलग स्थानों में जहाँ जहाँ भी हमारे साथी हैं, पार्टी के हैं और जहाँ मंदिरों के अंतर्गत काम करने वाली हमारी संस्थाएं हैं सभी उसमें भाग लेकर के दीपमाला करें और बिल्कुल दिवाली की तरह इस त्यौहार को मनाएं, इस अवसर को मनाएं। और मैं यही कहूँगा जहाँ प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है उसी आग्रह के मुताबिक जो आप कह रहे हैं, तो मुझे यही कहना है कि प्रदेश सरकार इस पर निश्चित रूप से विचार करे कि 22 तारीख को अगर वो छुट्टी का ऐलान करते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा वो उस दृष्टि से एक कदम होगा भगवान रामचंद्र जी के आशीर्वाद देने का और श्रद्धा और आस्था का जो हमारा केंद्र है उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने का। प्रदेश में जब आपकी सरकार थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।